गुड इवनिंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सम ऑफ आवर सब्सक्राइबर आर एक्साइटेड अबाउट टू टर्म्स, हेलीकॉप्टर मनी एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग, एंड दे आर आस्किंग सर मेक ए वीडियो ऑन दिस. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दीज फनी वर्ड्स. वन इज हेलीकॉप्टर मनी. इट इज ए वर्ड वेयर लार्ज सम ऑफ न्यू मनी इज प्रिंटेड बाय सेंट्रल बैंक in India, means Reserve Bank, and this is distributed among us public to stimulate the economy during the recession. Theoretically, this is a very good thought, but this is not possible in country like India. Even if RBI prints new money, that can go in hand of public through loan by central government or by state government, on which they have to pay the interest. And the states and center is having very less capability to take such loans and pay interest because they have already overborrowed. So I don't think this will be successful. Second is quantitative easing. Quantitative easing is where new money supply comes to the system through RBI purchasing the bonds from banks and other institutions. This is already happening in India. In India, we call it open market operations. So this is going on, and as and when RBI feels that more money is to be given to the system, they are using OMOs. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. दो बहुत ही रोचक शब्द आए हैं, हेलीकॉप्टर मनी एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग. लगता है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा. जैसा कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नया पैसा छापे और पब्लिक में बांट दे, कितना आसान है और इससे इकोनॉमी चल निकलेगी. पर ये सिर्फ एक कंसेप्ट्स हैं जो थियोरेटिकल हैं. वास्तव में क्या होता है, जब भी रिजर्व बैंक पैसा छापेगी तो ये पैसा केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को उधार के रूप में लेना पड़ेगा और उस पर ब्याज देना पड़ेगा. और ऑलरेडी केंद्र और राज्य सरकारों ने इतना उधार लिया हुआ है कि वो ब्याज कहां से देंगे, ये इतना आसान नहीं है. तो ये थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली भारत की परिस्थिति में अभी संभव नहीं होगा. दूसरा है क्वांटिटेटिव ईजिंग. इसमें क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी इशूड बॉन्ड्स हैं उनको खरीदता है और उसके एवज में बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देता है. ये ऑलरेडी चल रहा है. इसको हम इंडिया में OMO बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसके तहत रिजर्व बैंक बैंकों से ये वापस खरीदता है बॉन्ड्स और उसके एवज में पैसा देता है. तो कोई ये नई चीज नहीं है, ऑलरेडी हो रही है. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल.